क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करके बताना है कि 6 की पावर n अगर है, क्या इसमें कोई, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसके लास्ट में कभी 0 आएगी, कितनी 0 आ सकती है, किसी 0 पर ये एंड होगा कभी, अगर n जो है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हो, ठीक है, मतलब 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कभी कहीं पर 0 आएगी या नहीं, ये हमें बताना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हमें किसी के लास्ट में डिजिट 0 चेक करनी है तो उसमें क्या चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने वो कॉन्सेप्ट लिख दिया है, देख लेते हैं। इफ ए नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5 जरूर होने चाहिए, ठीक है। अगर एक पेयर है 2 और 5 का तो उसमें एक 0 होगी, अगर दो पेयर बनते हैं 2 और 5 के फैक्टर्स के तो उसमें 2 0 होंगी। जैसे मतलब ये क्यों होता है कि इसमें 10 का मल्टीपल होना चाहिए कहीं ना कहीं 0 के लिए, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये 10 बनता है, ठीक है, 2 5 होता है 10, तो एक पेयर होगा तो 10 हो जाएगा, अगर दो पेयर होंगे तो ये हो जाएगा 100, तीन पेयर होंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अगर 2 और 5 का इसमें कहीं पर पेयर बनेगा प्राइम फैक्टर्स में 6 टू द पावर n के, तो इसमें 0 होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो 6n के फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है, 6n इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई में 3, इसकी पावर हो गई n। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो पेयर जरूर होना चाहिए इनका, अगर 0 चाहिए तो, अगर नहीं है तो इसमें कोई भी 0 नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इट्स प्राइम फैक्टर्स डिड नॉट कंटेन या डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। अगर किसी में 2 मल्टीप्लाई में 5 का पेयर नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसमें एक भी 0 नहीं होगी, एक पेयर बन रहा है तो एक 0 होगी, दो पेयर बन रहे हैं तो 2 0 होंगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 1000 के प्राइम फैक्टर्स करके, तो उसके उसमें 2 मल्टीप्लाई में 5 के 3 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, इसमें कहीं भी 0 नहीं आएगी।